हेलो फ्रेंड्स, शुद्ध गैस किचन में आप सभी का स्वागत है। रेड सॉस पास्ता तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आज हम यहाँ ग्रीन सॉस पास्ता बनाएंगे जिसे पेस्टो पास्ता भी बोलते हैं। और ये बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी की पत्तियों से बनता है, क्योंकि फ्रेश तुलसी की पत्तियों से। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पास्ता, 1 कप बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी की पत्तियां, 1/4 कप काजू। आप काजू की जगह चाहे तो बादाम या फिर अखरोट भी ले सकते हैं। नमक स्वादानुसार, चीज जितना आपको पसंद है उस हिसाब से लेंगे हम। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, टमाटर मीडियम साइज में और थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां भिगोए हुए पानी में, जिसे हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। ऑयल एंड ओरिगेनो। सबसे पहले हम ग्रीन सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमें जो तुलसी की पत्तियां हैं उसमें हम काजू डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, चीज थोड़ा सा, थोड़ा सा ऑयल, और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे, जैसे ये सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसे हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और हम यहाँ अपने पास्ता रेडी करने के लिए पानी को बॉईल कर लेते हैं। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और इसे हम बीच बीच में चेक करते चलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इस अपना सॉस रेडी कर लेते हैं, ग्रीन सॉस। तो हम इसे पीस लेते हैं, अच्छा पेस्ट बना लेंगे इसका। और अगर ये पिसने में परेशानी आती है तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। डालेंगे, वाटर नहीं डालेंगे हम। तो हमारा ग्रीन सॉस रेडी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमारा पास्ता बॉईल हो गया, इसे हम निकाल लेंगे और अब इसे हम फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ हमारी कढ़ाई लेंगे, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी हम इसमें ऑयल लेंगे थोड़ा। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया, तो हमारे टमाटर डाल दिए। टमाटर को हमें ज्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ 2 मिनट सेकना है हमें। अभी हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा, और
मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हमारा पास्ता डालेंगे। और पास्ता के बाद हम इसमें अब हमारा जो ग्रीन सॉस हमने रेडी करके रखा है वो डालेंगे। जितनी हमें जरूरत है उतना थोड़ा थोड़ा डाल के लेके जाएंगे, जितनी जरूरत है उतना लेंगे। हम मिक्स कर दिखाएंगे इसे। अभी हम आखिरी में थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां डालेंगे जो हमने शुरुआत में पानी में भिगो के रखी थी। और अब हमारा पेस्टो पास्ता रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आखिरी में हम ऊपर से इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्ची, चीज, और तुलसी की पत्ती से इसे गार्निश करेंगे। पेस्टो पास्ता खाने के लिए तैयार है। और आप भी ये बनाइए रेसिपी और अपने सुझाव श्रुतिकास किचन के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल श्रुतिकास किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।